तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें की थी और उसमें आरएस नोमेनक्लेचर थोड़ा सा जल्दी में हमने कवर अप किया था, आज उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके अलावा आज हम इन डिटेल बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कब होगा कब नहीं होगा, किन किन कंपाउंड्स में होगा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ई जेड नोमेनक्लेचर। एक दो तरह के नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसो, एक होता है सिस ट्रांस और एक होता है ई जेड सिस्टम। जैसे वहाँ हमने पढ़ा आर एस, ठीक है, और उसके साथ में पढ़ा डी एल नोमेनक्लेचर, लेकिन डी एल नोमेनक्लेचर इज नॉट फॉर ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स के लिए ही है, लेकिन आर एस इज फॉर ऑल। सिमिलरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ई जेड सबके लिए, सबका आप ई जेड नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इतना हम आज कवर अप करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपको अगर क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आई होती है तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सन्नाटा रहता है क्लास के बाद भी। यू आर फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू क्लास, एनी काइंड ऑफ क्वेरी में बहुत कुछ आ जाएगा, इसलिए लास्ट में मैंने जोड़ा क्या, रिलेटेड टू क्लास, ठीक है। तो आप टेलीफोनिकली भी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़िए बेटा, मेहनत करिए, ठीक है, इतना मैं कहूँगा। तो आज हम अभी शुरू करते हैं सबसे पहले आर एस, ठीक है। आर एस में क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर एस नोमेनक्लेचर के लिए आपका काइरल कार्बन जो होता है वो रिजिडेंट दो तरीके से होता है। एक तो होता है काइरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन बाई फ्लाइंग वेज नोटेशन या फ्लाइंग वेज फॉर्मूला या फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसमें चार अलग अलग ग्रुप्स होंगे, काइरल कार्बन है ना, क्या होंगे, चार अलग अलग ग्रुप्स होंगे और चारों की प्रायोरिटी आपने डिसाइड करनी होती है किससे, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो उस रूल का नाम पता है आपको, जिस रूल से आप प्रायोरिटी डिसाइड करते रहते हैं, हम कहें 1, 2, 3, 4, ये चार ग्रुप्स हैं इनकी प्रायोरिटी रहते रहते लगी है, ठीक है। प्रायोरिटी किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा एक रूल यूज होता है, कान इनवोल्ड प्री लॉग रूल, कान इनवोल्ड प्री लॉग रूल, उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। एक ग्रुप को आप कहेंगे ये 1 है, दूसरे ग्रुप को कहेंगे ये 2 है, तीसरे को कहेंगे ये 3 है, चौथे को कहेंगे ये 4 है, ठीक है। कैसे, कान इनवोल्ड प्री लॉग रूल का सबसे पहला नियम क्या है, हाइएस्ट एटॉमिक नंबर हाइएस्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी डन, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं आइसोटोप आ गए तो फिर एटॉमिक मास देखेंगे, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम है, एक जगह लगा हाइड्रोजन, एक जगह लगा ड्यूटीरियम, दोनों का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, बात समझ में आई। दूसरा रूल, अगर अटैच्ड ग्रुप सेम है, मतलब ग्रुप में पहला एटम, आप उस जो ग्रुप में पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर आप देखते हैं, ठीक है, अगर पहला पहला एटम सेम हो गया तो प्रायोरिटी किससे डिसाइड होगी, नेक्स्ट एटम से। कैसे देखें, फॉर एग्जांपल आपका ये हो, ये कंपाउंड है CH3CH2OH, ठीक है, एंड CLNH, ये काइरल कार्बन है आपका, चार अलग अलग ग्रुप्स हो गए ना इसमें। हम यहाँ देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Cl, ठीक है, क्योंकि सबको देखा आपने, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, ठीक है।
तो अब ये वन हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। तो अब इससे नहीं प्रायोरिटी किससे डिसाइड होगी, नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट कौन है, ऑक्सीजन। तो अब टू ये हो जाएगा, ठीक, एंड थ्री ये हो जाएगा, और फोर लास्ट वाला हो जाएगा। तो कान इनकोड प्री लॉन्ग रूल समझ गए। अगर कहीं डबल बॉन्ड है, मान लो यहाँ पे ऐसा होता CHO, अब क्या होता बताइए। अब यहाँ कान इनकोड प्री लॉन्ग रूल का एक और नियम आता है काम में, ये तो बनी रहेगा, ठीक, ये तो ही रहेगा, यहाँ गड़बड़ होगी। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ भी नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, तो टू कौन होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला नहीं। देखिए अब यहाँ रूल क्या लगता है, देखिए समझा देता हूँ। यहाँ सिचुएशन ये होगी, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, तो कहीं भी कोई एटम डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, मतलब वो दो बार उसको प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा है, मीन दो जुड़े। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं माने जाएंगे, दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक, तो दो वाले को प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब टू ये हो जाएगा और थ्री ये हो जाएगा। आप समझ गए कान इनकोड प्री लॉन्ग रूल के ये तीन बातें जिसने याद रखनी, पहली क्या एटॉमिक नंबर, दूसरी नेक्स्ट एटम, सेम हो गया तो नेक्स्ट एटम पे जाइए, फिर तीसरी बात क्या रखनी है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बार और तीन बार हो जाए। और एग्जाम्पल ऐसे बता देता हूँ, एक और इसका देखिए ऐसे करके देख लेते हैं, ये क्या, ये कौन सा प्रोजेक्शन है बेटा, ऐसे करके जो बनाते हैं कौन सा, ये तो फ्लाई बाय प्रोजेक्शन है, ये कौन सा है, फिशर, कौन सा प्रोजेक्शन है, फिशर। यहाँ देखिएगा, यहाँ सी एच, यहाँ है मान लीजिए सी एच टू एन एच टू, ठीक है, सी एच टू एन एच टू, और यहाँ है सी एन, और यहाँ है एच, और यहाँ है सी एल मान लीजिए। अब बताइए मुझे क्या यहाँ सी ओ एच ले लेते हैं, सी सी ओ ओ एच, वन कौन होगा। देखिए अब यहाँ एक चीज देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, वन कौन होगा, ये सी, ये नेक्स्ट एटम क्या है बताइए, कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन है, इधर इधर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, तो कौन आएगा वन, ठीक। देखो यहाँ नेक्स्ट नाइट्रोजन, यहाँ भी नेक्स्ट नाइट्रोजन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये क्या आएगा वन। अब इन दोनों में टू कौन होगा, ये टू होगा क्योंकि यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तीन नाइट्रोजन है यहाँ और यहाँ एक ही है, तो ये क्या होगा टू, और ये हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा फोर। अब इसका आर एस हम देख लेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत डिटेल नहीं हो पाया था, तो मैं थोड़ा डिटेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम ज्योमेट्रिकल करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी टॉप बॉटम में है, फिशर में, किसकी बात कर रहे हैं, फिशर टॉप या बॉटम में है, फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, तो क्या होगा, टॉप बॉटम में फोर्थ प्रायोरिटी होने पर आप क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, सी ए सी ऐसे करके आते हैं, सी ए सी, ए सी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सी मतलब क्लॉकवाइज, ये क्या होगा आर और ये क्या होगा एस। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी इधर आ गई, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट या राइट में आ गई, तो इसका उल्टा करेंगे, जिसको आर कहते थे उसको एस, जिसको एस कहते थे उसको आर, याद रखिए ये बात, ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा एस और ये वाला हो जाएगा आर, ये किसके लिए, टॉप बॉटम के लिए, या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है इस पे अगर फोर्थ है, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ है, और फोर्थ प्रायोरिटी अगर लेफ्ट राइट है या सॉरी, अगर ये वर्टिकल लाइन है टॉप बॉटम, ठीक है, क्लॉक वाइज एस और एंटी क्लॉक वाइज आर, कोई कंफ्यूजन,
ठीक है। अब ये मुझे बताइए, आप कहेंगे वन से टू, टू से थ्री, ये क्या आया? एंटी क्लॉक वाइज। और टॉप बॉटम है ना, फोर्थ प्रायोरिटी सीधी लाइन है, तो ये क्या होगा? हाँ नहीं, एंटी एस वाइज, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज है ना, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। और ये क्लॉक वाइज, ठीक है, तो ये एस हो गया, कोई दिक्कत। यही चीज हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें फ्लाइंग वेज में। अब फ्लाइंग वेज में कैसे करते हैं ये देखेंगे, ये हटा दो, अगर इसमें है ये जो अपर बैंड बिलो वाला है सिस्टम, अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहां है या इधर, ठीक है, तो वही रूल लगेगा। और अगर नहीं है तो फिर बदलेगा। तो आप कोई एक सिस्टम लीजिए, या तो इसका फिशर बना लीजिए या यहीं से कर लीजिए, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहां है पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे हो जाएगा। जैसे ये क्या आया, वन टू थ्री, क्या आएगा ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, इस पे है, तो ये क्या आएगा, वन टू थ्री, क्या आएगा? हाँ, ठीक है। अब इसका अगर आपको फिशर बना के फिर करना है, तो इसका फिशर बना के भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए फिशर कैसे बनाएंगे इसका, जैसे इसको कई बार आपके एग्जाम में आएगा कि इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए, तो बनाने के कई तरीके हैं। पिछली बार मैंने अलग तरीका बताया था, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक सिंपल तरीका देखिएगा, जो बिलो द प्लेन जा रहा हो, जो डॉटेड वाला हो, उसको सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए, जो बिलो द प्लेन हो उसको सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, और बाकी जो तीन है उनको इसी क्रम में ऐसे लिख दीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ क्या है, तीन, यहाँ क्या है, एक, यहाँ क्या है, दो। अब इसको रोटेट करें तो क्या आएगा, देखिए क्लॉकवाइज क्या आएगा, आर, वही आना चाहिए ना। आपका फिशर सही बना है नहीं बना है ये कैसे कंफर्म होगा, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसका करके देखिए, इसका कैसे बनेगा, देखिए इसको आपने बनाना है, जो डॉटेड लाइन जा रही है उसको सबसे पहले कहाँ लिखे, नीचे से, और बाकी तीनों को उसी क्रम में ऐसे लिखे। इधर क्या है, सी एल, इधर क्या है, सी एच टू, और इधर क्या है, सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, वन, ये क्या जाएगा, टू, ये क्या जाएगा, थ्री। और फोर्थ बॉटम में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्लाइंग वेज से बहुत आसानी से हो जाता है क्या आपका, ये बहुत आसानी से हो जाता है तब जब फोर्थ इधर हो, लेकिन फोर्थ यहाँ ना हो तो फिर इतना आसान नहीं है। इसमें तो मैंने बता दिया या तो इधर है या इधर है, एक रूट दो रूट, लेकिन फोर्थ यहाँ ना हो तो फिर यहाँ दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि आपको कौन सा वाला रूल लगाना है, फिर ये समझ में नहीं आएगा। ये वाले से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे में फिर इंटरचेंज करने पड़ते हैं। किसी को और एडवांस जाना हो तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा इंटरचेंज कैसे करते हैं, इनकी इंटरचेंजिंग होती है, दो इंटरचेंज करके फिर इक्विवेलेंट बन जाता है, तो वो मैं बात बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, अब हम बात करते हैं, आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा आरएस करना। और याद रखिए बेटा, लिख लीजिए, एक कंपाउंड का आरएस निकालने को एग्जाम में जरूर आएगा, और फिशर से फ्लाइंग वेज से फिशर बनाने को भी आ सकता है, ठीक है। ये आता है फिशर से, फ्लाइंग वेज से नहीं, फ्लाइंग वेज से फिशर आता है जल्दी एग्जाम में। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये तो लगभग सभी को पता होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम आते ही दिमाग में एक चीज आ जाती है, क्या? सिस्ट्रम आती है सीधे, ज्योमेट्रिकल का मतलब सिस्ट्रम, सीधे से समझ में आता है। लेकिन कब ज्योमेट्रिकल होता है और कब नहीं होता है, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मॉलिक्यूल शो द ज्योमेट्रिकल, कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जल्दी ये समझ में आता है आपको कि इधर इधर, ठीक है, ये ग्रुप्स का हेर फेर होने पे क्या इस
हुआ कि डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। किस किस को लगता है, क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? डबल बॉन्ड है ना इस मॉलिक्यूल में, तो क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? यस और नो? नो, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डबल बॉन्ड तो है। जनरली आपने अभी तक क्या देखा है, जहां डबल बॉन्ड वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसकी बात करने जा रहे हैं। कंडीशंस टू शो डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे मैंने कहा था ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट काइरल कार्बन भी होता है, बताया था, इसलिए हम वहां काइरल कार्बन नहीं कहते हैं कंडीशन, वहां क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर काइरल सेंटर भी हो सकता है, काइरल प्लेन भी हो सकती है, काइरल एक्सिस भी हो सकती है। वैसे ही यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड इज नॉट द कंडीशन। कंडीशन इज वॉट? फर्स्ट कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने स्टार्टिंग वाली क्लास पढ़ी थी, टाइप्स में रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। देखो, कार्बन कार्बन, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं अगर, तो बॉन्ड रोटेट हो सकता है, बॉन्ड घूम सकता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड लग गया तो बॉन्ड कैन नॉट रोटेट, बॉन्ड रोटेशन रुक जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड रोटेशन जैसे ही रुकेगा, कोई भी ऐसा तरीका जो बॉन्ड रोटेशन को रोक दे, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। एनी वे बाई विच वी कैन स्टॉप द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हम रोक सके, ठीक है। तो जैसे ये है, इसको आप दो बॉल्स लेना, दो बॉल्स को एक एक रॉड से जोड़े तो वो घूम सकती हैं, लेकिन वहीं दो रॉड जोड़ दें बीच से, तो वो अब कब तक नहीं घूमेंगी, जब तक आप बॉन्ड को तोड़ ना दें। घुमाएंगे तो एक बॉन्ड एटलीस्ट तोड़ना पड़ेगा, तभी वो घूमेंगी। तो वही चीज़ यहाँ होगी, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, ये ओनली नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। सब्स्टिट्यूशन, दो कंडीशन चाहिए, पहली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरा सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब सूटेबल सब्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, जैसे ऐसा हो कि यहाँ जुड़ा हो ए ग्रुप और यहाँ जुड़ा हो बी ग्रुप, अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, अब होगा क्या आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा बच्चे? सिस ट्रांस, नहीं होगा या होगा? यस और नो? दोस्त से यस प्लीज रेज योर हैंड्स। नो वन मींस नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि suitable substitution required on both sides, required on both sides, on both sides, दोनों साइड चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि इधर A और इधर B, अब आप मुझे बताइए कि suitable substitution को क्या लिखेंगे, कैसी suitable substitution? जो दो वैलेंसी हैं इधर और इधर, जो दो वैलेंसी हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब ये ए है तो ये भी ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मतलब बोथ द वैलेंसी शुड नॉट बी सेम ऑन बोथ द साइड।
दोनों तरफ दोनों वैलेंसी सिमिलर नहीं होती। ऐसा है क्या? कब होगा? अभी होगा। ये दोनों आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी एक के सेम है। एक के सेम हो भी सकती है और इधर ए है तो इधर ए होना जरूरी नहीं है, इधर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। क्या बात समझ गए? हाँ, ये नहीं हो सकता, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सुटेबल कंडीशन क्या क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की, कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इधर सी डी, यानी कि ये दोनों आपस में मैच बिल्कुल ना करें, और इधर भी और इधर भी। तो मैंने जैसा अभी कहा, क्या ऐसे ही कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो? किसी और में भी हो सकता है क्या? किसी और में भी हो सकता है क्या? हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ए बी ए, इसमें भी हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ए ए, इसमें भी हो सकता है। इसके अलावा जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं, साइक्लिक कंपाउंड एक्सक्लूडिंग एरोमेटिक, एलीसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक छोड़ देंगे, ठीक है, जितने भी एलीसाइक्लिक कंपाउंड हैं, एलीसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी हैं, वो क्या क्या शो करते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब बताइए साइक्लिक कंपाउंड्स क्यों शो करते होंगे? एक बात मुझे बताइए, ये क्या है आप जानते हैं? ये क्या है? मैथ वाला कहेगा ट्राइंगल है ना? अगर हम पढ़ते कहोगे तो खाली एक ऐसा तिकोना सा डब्बा बना रखा और क्या है ना? लेकिन केमिस्ट्री वाला इसको ये सब नहीं कहेगा, ना ही ट्राइंगल कहेगा। क्या है? कोई जानता है? साइक्लिक कंपाउंड है भैया। क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है? स्क्वायर मत कह देना, ये साइक्लोप्रोपेन है। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन, ये सब एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और इन सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है कब? जब अगल बगल इधर उधर ए बी ए बी हो, ए बी ए बी होगा, जैसे यहाँ हो इधर ए बी, यहाँ भी ए बी, ऐसा हो। तो अगर ए ए सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट है तो ट्रांस। अब यहाँ मुझे ये बात समझानी है आपको बेटा कि साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे हो गया। बेटा मेरे टेबल पे ना एक बॉक्स रखा होगा, डब्बा लेके आओ, मेरे टेबल पर रखा। साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ तो समझ में आता है ना, डबल बॉन्ड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दो बॉन्ड लग गए रोटेशन रुक जाएगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कहा यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जितने साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे होता होगा, क्या आप जानते हैं? अच्छा, इसको लाइए ऐसे जोड़ दें और चिपका दें, ठीक है। क्या हो अगर इसको आप फिर घुमाना चाहें तो? अगर खुला हो तो आप इसको घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों को जोड़ दें तो नहीं घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा ना, क्योंकि रिंग जब बन जाती है बेटा, जब भी रिंग बन जाएगी तो आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो ही जाएगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखते हैं, अभी आपको रिंग बना के दिखाता हूँ मैं। ठीक है,
रिंग देख रहे हैं, ठीक है। क्या किसी बॉन्ड को मैं रोटेट कर सकता हूँ? बिल्कुल फिक्स हो गया, ये घूमेगा ही नहीं, अब आप घुमा लीजिए। यानी यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड, कितने भी 4 मेंबर्ड बनाए, 5 मेंबर्ड बनाए, 6 मेंबर्ड बनाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। और जहाँ भी रोटेशन नहीं हो पाएगा वहाँ कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? ठीक है, लेकिन अगर इसमें भी दो ग्रुप्स होते हैं, हर कॉर्नर पे क्या होगा, CH2 CH2, तो दो ग्रुप्स होते हैं, तो दो ग्रुप्स अगर सूटेबल होंगे AB AB वाली कंडीशन में तब होगा यहाँ भी, नहीं तो नहीं होगा। दोनों कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और ये, समझ में आया पक्का? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसमें ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म इसमें कब कब होगा, इसमें कब कब होगा, ये हमने देख लिया। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ बेटा, CH3H, ये जो कंपाउंड है ये ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ट्रांस 1-2 ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ये सिस ट्रांस आइसोमर। ऐसे ब्यूटेन में होगा ये, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, CH3 CH3 H H, ये क्या है, सिस। अब देखो एक बात मैं बता दूं बेटा, साइक्लोब्यूटेन में साइक्लिक और डबल बॉन्ड वालों में एक फर्क है, यहां कहीं भी हो, देखो अभी यहां था अगल बगल तो भी सिस ट्रांस होगा, अगर दूर होगा तो भी सिस्ट्रांस होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे इस बॉन्ड पे ही है ना अगल बगल, इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या है, सिस डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है, सिस डाइमिथाइल, ठीक, दोनों ऊपर दोनों नीचे, सेम ग्रुप नीचे सेम ग्रुप ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो दो टाइप के नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं, पहला सिस ट्रांस, दूसरा ईजेड। सिस ट्रांस को हम बहुत टाइम से यूज करते चले आ रहे हैं, है ना, लेकिन सिस ट्रांस कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, ये जानो, कब व्हेन वी कैन यूज सिस ट्रांस एंड व्हेन वी कैन नॉट। देखो एक कंपाउंड जो मैंने बनाया था, ये अगर ऐसा ज्योमेट्रिकल कंपाउंड आपके पास है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ऐसा कंपाउंड अगर है जिसमें कि ए बी सी डी चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, देयर वी कैन नॉट यूज सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अब इसमें सिस ट्रांस कैसे कहोगे आप, कह पाओगे क्या? सिस ट्रांस में हम देखते हैं सेम ग्रुप सेम साइड, सिस सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है, इतना ही है। सेम ग्रुप्स इसकी बात करें, सेम ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है। अब इसमें कोई भी दो ग्रुप सेम है ही नहीं, कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं है, तो हम इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। हाँ अभी देखते हैं आप, क्या आप कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, अब कह सकते हैं सिस ट्रांस अब कहा जा सकता है, समझ में आया? तो क्या कंडीशन है सिस ट्रांस को यूज करने की, दोनों टर्मिनल पर
एटलीस्ट एक ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम दोनों टर्मिनल पे, इधर और इधर, इधर और इधर मतलब नहीं है, इधर और इधर दोनों टर्मिनल के कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए एटलीस्ट। कोई एक ग्रुप अगर सेम है तो हम तब कह सकते हैं ये सिस है, ये ट्रांस है। ये क्या है, ये क्या है, सिस है। क्या है, सिस है, ठीक है। अगर इसको हम पलट के ऊपर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ जाए। सिस ट्रांस हम कब यूज कर सकते हैं, जब एटलीस्ट कोई दो ग्रुप्स सेम मिले हमें दोनों टर्मिनल से, तब हम सिस ट्रांस को यूज कर सकते हैं। ऊपर के सेम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये दोनों सी3 भी हो सकते थे और नहीं भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, सिस ट्रांस का मामला कैसा। अब हम बात करते हैं ई गेट की, किसकी बात करते हैं, ई मीन्स एंटी, जेड मीन्स जोसा, एंटी मीन एंड जोसा मीन, एंटीजेनिन जोसा मीन, एंटीजेनिन जेड मीन्स जोसा मीन, इसका मतलब होता है अपोजिट और इसका मतलब होता है सेम। जोसा मीन का मतलब होता है सेम साइड, एंटीजेनिन अपोजिट साइड, एंड इसका मतलब होता है सेम साइड। सीधी सी बात समझ में आ गई। लेकिन अब हम ग्रुप्स नहीं देखेंगे, अब हम कान इनगोड प्रीलॉग रूल का यूज फिर से करेंगे और ग्रुप्स को लिखेंगे 1 2, एक ग्रुप को लिखेंगे 1 और दूसरे को लिखेंगे 2, ऐसे ही दूसरी तरफ 1 2, 1 1 सेम साइड जेड, अपोजिट साइड, समझ में आया। अगर अब हम खाली नंबर देखेंगे, ग्रुप्स को भूल जाएंगे। सिस ट्रांस में क्या देखते हैं आप, ग्रुप। ई जेड में क्या देखेंगे, नंबर। कैसे, इन दोनों में 1 कौन होगा, 1 और ये 2, इसमें 1 ये, तो ये क्या आएगा, जेड, क्या आएगा, जेड, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक बहुत आसान है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और जेड लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये बात समझ गए, पक्का। चलिए तो ये क्या आया, ई और सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग क्या है, सिस। तो इससे एक चीज मैंने और समझा दी, ई जेड नॉमेनक्लेचर एंड सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर आर नॉट कोरिलेटेड एट ऑल, राइट। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो ई जेड आई थिंक अब बहुत मुश्किल नहीं है, आप कम से कम 20-25 एग्जाम्पल घर पर सॉल्व कर लो, बात समझ में आ जाएगी। ठीक, किसी एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और उसमें सिस ट्रांस हो रहा है तो ई जेड जेड लिखेंगे, दो है तो ई जेड जेड जेड, तीन है उतनी बार ई जेड आएगा। जैसे काइरल कार्बन के केस में कहा था, जितने काइरल कार्बन है उतनी बार आर एस फंसा है, उतनी ही बार ई जेड आए, बात समझ गए, ध्यान रखिएगा। पता चला एक का निकाल के छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, सभी का निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आपके इस यूनिट का वो है मेथड्स ऑफ
methods of resolution of your determination of configuration, sys trans का कौन सिस है, कौन ट्रांस है, किस मेथड से पता करेगा, ठीक है? तो मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग कॉन्फिगरेशन, मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डाइपोल मोमेंट मेथड। फर्स्ट मेथड इज डाइपोल मोमेंट मेथड। माय डियर, जो डाइपोल मोमेंट होता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स का वो अलग अलग होता है। तो आप डाइपोल मोमेंट पता कर लीजिए, आप बता पाएंगे कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा। जनरली होता क्या है कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, जनरली कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, कंडीशन पे डिपेंड भी करता है। मोस्टली आप लिख सकते हैं मोस्टली सिस आइसोमर हैव हायर डाइपोल मोमेंट। मतलब कि आइसोमर अगर सिस है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है? तो आपको कंफ्यूजन है कि आपका कंपाउंड सिस है या ट्रांस है, तो आप एक काम पता कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटली उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए, लैब में पता कर लीजिए। तो ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, सिस होगा, कम आ रहा है तो ट्रांस होगा। अब ये एक लॉजिक हम समझेंगे कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल ले लीजिए हम, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है सिस, ये क्या है ट्रांस, ठीक है? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टोरियल फोर्स, वेक्टोरियल क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब है कि ऐसा एक फोर्स ऐसा हो, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ठीक। ये ऐसा क्यों हो सकता है कि एक इधर लग रहा हो एक पीछे, तो कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला ज्यादा होगा। जैसे एक फोर्स ऐसे, एक को ऐसे समझे, एक इधर है और एक इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा ना। और एक इधर है और एक इधर है तो जीरो नहीं होगा, कुछ तो फोर्स लगेगा। तो यही चीज यहाँ समझा रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से समझना, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये नेगेटिव होगा, ये सीएम नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इसका डायरेक्शन बनाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर पॉजिटिव बनाएगा उधर को, इसका डायरेक्शन क्या बनेगा इधर को। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट को समझना हो तो ये सिंपल समझ जाइए, कहाँ ज्यादा होगा बताइए, फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, ये क्यू लग रहा है, एक क्यू लग रहा है, ज्यादा होगा ना। एग्जांपल से समझ पाए, दोनों फोर्स सेम साइड में लग रहे हैं और इसमें दोनों फोर्स अपोजिट हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू जीरो होता है। तब भी दो फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो, और सिस का ज्यादा होता है। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है 1.76 डाइपोल, ठीक है, समझ में आया? डाइपोल मोमेंट इसका क्यों ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है? कुछ केसेस में इसका चीजें बदल जाती है, लेकिन इसको मैं बदल दूंगा, बदल दूं, ठीक है, इसको मैं बदल देता हूं, ये सीएल हटा के इधर मैं सीएल थ्री लगा देता हूँ, तो सिनेरियो थोड़ा बदलेगा, देखना सी एच थ्री और इधर भी सी एच थ्री, ठीक है? अब सिनेरियो कैसे बदलेगा समझिए, डाइपोल मोमेंट का फोर्स जो लगता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को लगता है। अब इन दोनों में किसको पॉजिटिव मानोगे किसको नेगेटिव मानोगे, दोनों ही तो कार्बन है, तो दोनों कार्बन में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको नेगेटिव मानोगे, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी बताइए, CH3 विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और CH ये ज्यादा होगा, कौन होगा बताइए? कार्बन की जब
वो चेक करनी हो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको देखना होता है हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिए. क्या देखना होता है? सी एस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होते हैं? sp3 sp2 और sp. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है. sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज़्यादा होती है, और sp2 की ज़्यादा होती है किससे? sp3 से, क्योंकि s कैरेक्टर बढ़ जाता है. जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसमें 25%, इसमें 33%, इसमें 50%. s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी. तो अब इन दोनों में बताइए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ये बस, ये sp2 है, ये sp3 है, ठीक है. डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है, आपको पता होना चाहिए. डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है? sp2. और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp3, ठीक है. और इसमें ना कोई डबल है ना ट्रिपल है, तो ये क्या होगा? sp3. तो अब यहाँ फोर्स क्या होगा? यू लगेगा. यहाँ फोर्स क्या लगेगा? यू लगेगा. अब बताओ किसकी किसका ज्यादा होगा? ये दोनों दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, वहां तो अपोजिट हो रहे थे ना, इसलिए कम हो जा रहा था. इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, मोस्टली सिस का ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा नहीं. ये ट्रांस है ना, लेकिन यहाँ इसका ज्यादा होगा. इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.97 d, और इसका होता है 1.68 d. थोड़ा सा फर्क होता है, समझ में आया? इसका क्यों ज्यादा हो गया? बिकॉज सेम फोर्स ऑन सेम डायरेक्शन, इसमें सेम डायरेक्शन नहीं है, थोड़ा कम होगा, ठीक है. बात समझ गए? तो हम डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल को पहचान लिया है, मॉलिक्यूल में क्या क्या ग्रुप्स हैं ये पता लगा लिया है. तो स्विस ट्रांस पता लगाना डायपोल मोमेंट की हेल्प से बहुत ही आसान होगा, ठीक है. कोई दिक्कत? पक्का? लास्ट का टाइम तो हो गया है. एक चीज और है, छोटी सी बता देता हूँ. दूसरा मेथड होता है मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स क्लोजली पैक्ड होता है, क्योंकि ज़्यादा सिमेट्री आती है ट्रांस में सिस के मुकाबले, ठीक है. तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली ज़्यादा होता है किससे? सिस से. तो मेल्टिंग पॉइंट पता करके भी आप कॉन्फिगरेशन का पता लगा सकते हैं, ठीक. मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? ट्रांस का, ठीक है. ट्रांस है मोर मेल्टिंग पॉइंट या हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस. क्यों? क्योंकि उसकी पैकिंग ज़्यादा क्लोज होती है क्रिस्टल में ट्रांस की, सिमेट्रिकल होने की वजह से, और सिस की पैकिंग उतनी इफिशियंट नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है. इसके अलावा एक और मेथड है जो कुछ में यूज होती है, जिसको कहते हैं केमिकल मेथड. क्या कहते हैं? केमिकल मेथड. कुछ कंपाउंड में ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शन सिस में तो हो जाती है लेकिन ट्रांस में नहीं होती हैं, उस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं. केमिकल मेथड से भी हम केमिकल मेथड, ये यूनिट आपकी समाप्त है. केमिकल मेथड जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो दिस इज मैलेइक एसिड, ठीक है. मैलेइक एसिड कहते हैं, ये क्या है? सिस है. मैलेइक एसिड क्या है? सिस है. इसी का अगर हम ट्रांस देखें, ट्रांस क्या होगा? ट्रांस है, इसमें इसको अगर गर्म करेंगे और इसको भी गर्म करेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है. अगर सिस होगा तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? H2O. और इसमें एनहाइड्राइड नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें दोनों COH अपोजिट साइड है. एनहाइड्राइड कैसे बनता है? ये H2O निकलता है, ठीक है. सेम साइड होने की वजह से H2O एलिमिनेट हो सकता है और रिंग फॉर्म हो सकती है, और इसमें नहीं हो सकती. ऐसा कई जगह होता है. तो एनहाइड्राइड कैसे बनता है? दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड. और इसको कहते हैं फ्यूमैरिक एसिड. इसको क्या कहते हैं? फ्यूमैरिक. जो ट्रांस होता है नाम भी अलग करते थे, फ्यूमैरिक एसिड. फ्यूमैरिक एसिड में एनहाइड्राइड नहीं बनता है. तो ये कई बार क्वेश्चन आता आ चुका है बेटा, मेथड्स क्या है.
कॉन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करने की। तो तीन मेथड है, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट और केमिकल मेथड। हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है बेटा। अटेंडेंस लेने का टाइम है क्या?